जाता है कि दीपिका पादुकोण अब्बास मस्तान की थ्रिलर रेस 2 में काम करना चाहती हैं, लेकिन वो मई 2012 के बाद ही अपने डेट्स दे पाएंगी, जिस वजह से फिल्म डिले हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर देंगी, एज इट वुड डिले हर अदर प्रोजेक्ट। संजय दत्त ने उनकी 5.5 करोड़ की फरारी शर्मन जोशी को एक महीने के लिए चलाने दी है ताकि वो इसे परफेक्टली ड्राइव करना सीख ले। दरअसल शर्मन को उनकी अपकमिंग फिल्म फरारी की सवारी में ये कार चलानी है और संजय ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर शर्मन को ये कार दी है। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने डिजाइनर महिका मीरपुरी के लिए रैंप वॉक किया। यहाँ सोनाक्षी बिल्कुल ट्रेडिशनल लिबास में नजर आई, जो सोनाक्षी पर काफी जच भी रही थी। स्पीडी सिंह्स को प्रमोट करने के बाद अब अक्षय कुमार एक और फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, जिसे वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर को प्रोड्यूस करेंगे और अब उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। कहा जा रहा था कि विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर की शूटिंग लगातार की थी, जिस वजह से वो सेट्स पर चकराकर गिर पड़ी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथरिया की माने तो ये खबर सरासर झूठ है। उनका कहना है कि फिल्म में विद्या को काफी इंटेंस रोल निभाना है, एंड व्हेन शी गेट्स इनटू अ रोल शी डजंट स्लीप एंड फॉरगेट्स टू ईट हेल्दी, और ये सब उसी का नतीजा है।